राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। आज से कुछ साल पहले यानी कि 1975 में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था जय मां संतोषी। 15 लाख की लागत से बनी इस फिल्म ने उस समय पर बॉक्स ऑफिस पर 5 से 6 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अपने समय में 16 मूवी के बाद सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म यही थी। इस फिल्म को देखने के लिए लोग बैलगाड़ियों से थिएटर आया करते थे। दर्शक हॉल की सिनेमा स्क्रीन पर सिक्के और फूलमाला चढ़ाया करते थे और कई थिएटर तो ऐसे थे जिन थिएटरों में ये मूवी रिलीज हुई उन थिएटरों को थिएटर नहीं बल्कि मंदिर कहा जाता था। जैसे कि शारदा टॉकीज को शारदा मंदिर कहा जाने लगा। जो लोग फिल्म देखने आया करते थे वह थिएटर के बाहर अपने जूते चप्पल उतार के जाते थे जैसे कि एक मंदिर में जाते हैं। उस वक्त कई थिएटर मालिक एक्स्ट्रा पैसे कमाने के चक्कर में थिएटर के बाहर दान पेटी का रख देते थे ताकि लोग उसमें दान डालें। दिलचस्पी की बात तो यह है 1975 में जब ये मूवी आई थी तो आधे से ज़्यादा लोग इस देवी के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। संतोषी माँ का जिक्र किसी भी वेद पुराण में कहीं नहीं है। संतोषी माता दरअसल भारत के कुछ गाँव में पूजने वाली एक ग्राम देवी है जिनकी मान्यता रोगों के उपचार के लिए थी। 1960 में संतोषी माँ का पहला मंदिर भीड़वाड़ा में बना था जो कि कुछ हद तक प्रचलित था। और भी उनके कुछ छोटे छोटे मंदिर रहे होंगे जो कि छोटे छोटे गांव में होंगे, लेकिन बॉलीवुड ने एक ग्राम देवी को देश के कोने कोने में घर घर में पहुंचा दिया। बॉलीवुड ने संतोषी माता को पौराणिक देवी देवताओं के साथ में लाकर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, ये है बॉलीवुड की ताकत। ये कहानी उनके लिए है जिन्हें लगता है कि बॉलीवुड में जो भी हो रहा है उसका समाज पर कोई असर नहीं होता। भारत में भगवानों की बहुत सी कथाएं मौजूद हैं जो कि कभी इतिहास, भूगोल या समय के बंधन में नहीं बंधी। यहाँ का एकमात्र सच लोगों का विश्वास है और विश्वास को ही सच माना जाता है, और इसके लिए किसी भी सबूत या गवाह की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टैंड अप कॉमेडी, टीवी शोज या बुद्धिजीवी बनने के होड़ में लोग अपने ही देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। हिंदुओं में सेकुलर लोगों की बहुत ही बड़ी फौज जो हम आज देख सकते हैं, जो कि बॉलीवुड ने ही पिछले 20-30 साल में खड़ी की है। आजकल के बच्चे वो वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं जिसमें कि हमारे देवी देवताओं का बहुत ही गलत तरीके से मजाक बनाया जाए, ना कि संतोषी माँ जैसी मूवी देखना पसंद करते हैं। ऐसी ऐसी गंदी पंक्तियाँ, हास्य फुहर डायलॉग और गंदे सीन की भरमार होती है इन वेब सीरीज़ों में। ये फिल्में, वेब सीरीज़ हिट होती हैं, आप इनका जितना भी विरोध करेंगे उतना ही यह ज़्यादा पैसा कमाएंगी। अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो आपके बच्चे अपनी जड़ों से बहुत दूर होते जाएंगे। दरअसल यह एक मकड़ जाल है। आपके बच्चे या आप जितना ही हाथ पर फैलाएंगे उतना ही आपके बच्चे इस जाल में फंसते चले जाएंगे। अचानक से इन फिल्मों में एक नास्तिक हीरो की एंट्री और गुलशन कुमार की हत्या लोगों के भीतर से इस विश्वास को खत्म करने की एक मुहिम थी। चर्च पोषित इस मुहिम में बॉलीवुड कहीं हद तक सफल भी रहा। आजकल 30 साल से कम उम्र के लोग अपने देवी देवताओं के बारे में, अपने धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते और ना ही जानने की कोशिश करते हैं। बॉलीवुड ने आज युवा पीढ़ी के मन से यह विश्वास खत्म कर दिया है। जो विश्वास 1975 में एक ग्राम देवी को पौराणिक देवियों के साथ में लाकर खड़ा कर देता है। दोस्तों, आज भी बहुत सी चीज़ ऐसी हैं ये हम नहीं जानते और जानने की कोशिश भी नहीं करते। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जानते हैं सेकुलर किसे कहते हैं? मैं बताता हूँ, जो लोग दूध बहने पर लेक्चर दे और खून बहने पर मुबारकबाद, वह आदमी सेकुलर होता है। बोलिए राधे राधे।